थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। श्रेय पूरा का पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। उन्होंने इस देश में वो काम किए हैं जो आज तक 70 साल में हो ही नहीं सके। ये बहुत जरूरी था। जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से देश के लिए और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। हम मोदी जी को बधाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देते हैं। क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। आज पूरी देश की महिलाओं के लिए एक विशेष दिन है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल पास है। हमारे साथ रेखा गुप्ता जी मौजूद है, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। साथ में आप देख सकते हैं बहुत सी महिलाएं बच्चियां यहां पर मौजूद है जो कि देश का भविष्य आगे होने वाली हैं। तो जानते हैं किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है महिलाओं के लिए। रेखा जी, आप खुद महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय, क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी के इस कदम को? दिल की गहराई से मैं थैंक यू नरेंद्र मोदी जी बोलना चाहती हूँ। एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में, आपने पिता के रूप में, भाई के रूप में, साथी के रूप में देश की सभी बेटियों को, बहनों को जो साथ दिया है। जिस दिन प्रथम बार आप प्रधानमंत्री बने थे, जिस दिन आपने लाल किले की दीवार से शौचालय की बात की थी, उस दिन से लेके आज तक आपने हमेशा भारतवर्ष की हर बेटी के लिए, हर बहन के लिए काम किया है। हमेशा उनके उज्जवल भविष्य के लिए, समृद्ध भविष्य के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए काम किया है। और आज फिर आपने दिखा दिया कि देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए आप लोग किस तरीके से खड़े हैं। पहली बार संसद में ये बिल पास होगा और उसका श्रेय पूरा का पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनकी वजह से आज देश की आधी आबादी महिलाएं आगे बढ़ सकेंगी, उनका भविष्य और उज्जवल होगा और देश की राजनीति में वो सक्रिय भूमिका निभाएंगी। देश की ऐसी ऐसी पोजीशंस को वो होल्ड कर पाएंगी जिनके बारे में शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं दिल की गहराई से मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। सच में मोदी है तो मुमकिन है। रेखा जी, लेकिन समय बहुत लग गया, बहुत समय से ये पूरे देश की मांग थी, देश की महिलाओं की मांग थी, या यूं कहें आधी आबादी की मांग थी कि महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले, बराबर का अधिकार मिले। आज इतने सालों के बाद आज़ादी के वो समय आया है जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल रहा है। देखिए, सच में मोदी है तो मुमकिन है। ये काम शायद कोई और कर भी नहीं पाता, ना उनकी इच्छा थी, ना नीति थी, ना नियत थी, परंतु आज ये हो पा रहा है, ये संभव हो पा रहा है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह है। क्योंकि दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति के साथ में वो जो चीज़ तय कर लेते हैं निश्चित रूप में वो करके रहते हैं। चाहे वो ट्रिपल तलाक था, धारा 370 थी, राम मंदिर था, हमारे देश की हर नारी, हर बेटी, हर बहन उनको दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। क्या कहेंगे अब महिलाओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्या अच्छा लगेगा इसके बाद आपको? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा लगेगा, क्या कहेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अब ज्यादा बढ़ जाएगी महिलाओं के लिए। जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से देश के लिए और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया और बहुत सी योजनाएं भी लेकर आए हैं महिलाओं के लिए, तो मैं उनको साधुवाद करती हूँ और महिलाओं की तरफ से स्पेशल थैंक्स देती हूँ जो उन्होंने महिलाओं को प्रमुख उसमें रखा, 33% रिजर्वेशन भी दिया हर जगह पर। तो दिल से धन्यवाद मोदी जी। पुरुषों से भी जान लेते हैं कि आखिर अब महिलाएं बराबरी में आकर खड़ी हो गई हैं, वास्तव में खड़ी हो गई हैं, तो कैसा वो महसूस कर रहे हैं, तो उनसे भी जानते हैं। सर, मैं चाहूंगी कि आप दो शब्द बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज, वाकई देश की जो महिलाएं आधी आबादी है आप लोगों के बिल्कुल साथ आके खड़ी हो गई है। ये बहुत जरूरी था। जो समानता की बात करते हैं भाई नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये सपना साकार किया और देश के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की जो और जो देश जा रहा है उसकी शुरुआत है ये। केवल पुरुष प्रधान देश रहा है हमारा और अब महिलाएं बराबरी की टक्कर में हैं और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा अच्छा काम भी कर रही हैं और ये सब चीजें हमारे समाज के सभी लोग मानते भी हैं, लेकिन अब बराबरी का जब अधिकार मिल रहा है, राजनीति के अंदर बढ़ चढ़ कर महिलाएं अब हिस्सा लेंगी, क्या लगता है राजनीति का अब स्वरूप कैसा होने वाला है? देखिए, जो अर्धनारीश्वर कहा जाता है, ये स्त्री जो महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा था इसको मोदी जी ने पूरा किया है। ये बहुत समय से पहले से मांग थी, लेकिन अभी बहन जी ने बताया मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने करके दिखाया है। क्योंकि बहुत से राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया, बहुत से राजनीतिक दलों ने इसको लटकाया, लेकिन जैसे ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने ये संकल्प लिया कि महिलाओं को भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए और वो देश में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े, इसी संकल्प को आज पूरा किया है। हम मोदी जी को बधाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देते हैं और रेखा जी को भी बधाई देते हैं
जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी आहुति दी और इस मुद्दे को आगे ले चला ले करके गई और आज इस कार्यक्रम को इस काम को सफलता देखते हुए हमें हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि घर पे तो महिलाएं बराबरी में थी, अब कंपटीशन बाहर भी है, राजनीति में भी कंपटीशन है, कितना हेल्दी कंपटीशन मानते हैं इसको? देखिए अब तक तो हमारी राजनीति में महिला प्रधान देश है, महिला प्रधान देश है ये नारा देते थे, उसे प्रत्यक्ष अगर किया तो मोदी जी ने किया। उन्होंने इस देश में वो काम किए हैं जो आज तक 70 साल में हो ही नहीं सके, और इसके लिए हम बहन रेखा गुप्ता जी जो महिलाओं के लिए आज फाउंडेशन के माध्यम से धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में जिस ढंग से लगी हुई हैं वो अद्वितीय है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, महिला है, बहुत युवा हैं, क्या कहेंगे? ये जो स्टेप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सभी के मुंह से निकलता है मोदी है तो मुमकिन है, क्या ये वाकई मोदी के होने से ही मुमकिन है? बिल्कुल, ये मोदी जी के होने से ही मुमकिन है और उनको बहुत बहुत थैंक्स है कि उन्होंने लेडीज को एक ये मौका दिया है आगे निकलने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो शुक्रिया एक मेरी तरफ से भी, क्योंकि महिला मैं भी हूँ और मैं चाहूँगी कि इस तरह की चीज़ें जब देश में होती हैं तो उसका अप्रिशिएशन होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, और जो आधी आबादी हमारे देश की वो अब आगे बढ़ पाएगी, उसे ज़्यादा मौका मिलेगा। ऐसी और तमाम न्यूज़ के लिए देखते रहिए क्विक न्यूज़।